हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिपेयर दी मोबाइल। इस वीडियो में सैमसंग F41 को कैसे हार्ड रिसेट करेंगे वो जानेंगे। पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ और पावर की को एक साथ दबा के रखिए। जब सैमसंग F41 स्क्रीन में दिखाई देगा तब पावर की को रिलीज कीजिए। एंड्रॉयड रिकवरी स्क्रीन आने के बाद वॉल्यूम ऑफ को रिलीज कर दीजिए। अभी वॉल्यूम डाउन को 4 बार प्रेस कीजिए। वाइप डाटा और फैक्ट्री रिसेट सिलेक्ट हो जाएगा। वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट सिलेक्ट होने के बाद पावर की को एक बार प्रेस कीजिए। वॉल्यूम डाउन एक बार दबा के फैक्ट्री डाटा रिसेट सिलेक्ट कीजिए और पावर की को एक बार प्रेस करने से आपका जितने भी डाटा वाइप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा वाइप कंप्लीट स्क्रीन के नीचे शो हो रहा है। उसके बाद पावर की को एक बार प्रेस करके रिबूट सिस्टम नाउ कर दीजिए। अभी आपका मोबाइल रिबूट प्रोसेस में चला गया है। और इस प्रोसेस का कम से कम 3 से 15 मिनट लग सकता है। जितने भी टाइम लगेगा उतने टाइम थोड़ा वेट कीजिएगा। कोई भी की को प्रेस नहीं करना है। अगर आप पावर की का जबरदस्ती प्रेस करेंगे तो मोबाइल डेड होने का चांसेस भी रहता है। सैमसंग स्क्रीन में कम से कम 3 से 15 मिनट लग सकता है। अगर आपका फोन नया है तो 3 मिनट में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका मोबाइल बहुत पुराना हो गया है वो 15 मिनट भी ले सकता है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। चार मिनट जाने के बाद मोबाइल में स्टार्टिंग एंड्रॉइड आ गया है। अभी जितने भी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉलिंग हो रहा है। अगर आप पैटर्न लॉक भूल गए हैं तो हार्ड रिसेट करके पैटर्न लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। हार्ड रिसेट करने से मोबाइल के अंदर में जितने भी डाटा है वो सब डिलीट हो जाएगा। एक चीज याद रखना है, हार्ड रिसेट करने से पैटर्न लॉक रिमूव हो जाता है, लेकिन जो जीमेल आईडी से आप मोबाइल को पहले से ऑन किए हैं वही जीमेल आईडी से आपको मोबाइल को ऑन करना है। मोबाइल पूरा नया जैसा हो गया है। लेट्स गो, सिलेक्ट ऑल, देन नेक्स्ट। स्किप, डोंट कॉपी। नेक्स्ट, मोर, एक्सेप्ट, स्किप नाउ, स्किप एनीवे, नेक्स्ट, स्किप, स्किप, फिनिश। तो आप जैसे कि देख सकते हैं
कि मोबाइल सक्सेसफुली रिबूट हो गया है। तो इसी तरह आप सैमसंग S41 को हाई रिसेट कर सकते हैं। ये वीडियो आप देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।